हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज की कहानी का नाम है हमारा रेहान का सवाल। क्या है रेहान का सवाल, देखते हैं कहानी में। तो मैं अपने से बड़ों को हमेशा आप कहकर बोलना चाहिए। तो पापा हमेशा रेहान को यही बात समझाते रहते हैं, मगर वह समझ नहीं पाता कि किसको आप बोलना है और किसको तुम। वह अपने मम्मी पापा से भी आप करके नहीं बात करता। वह हमेशा सोचता रहता है कि मम्मी पापा से वह आप कहकर बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि वे दूर के रिश्तेदार से बात कर रहा है। एक बार की बात है, रेहान के घर के दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े थे। वह अगरबत्ती बेच रहे थे। वह पापा से पूछ रहे थे, क्या आप अगरबत्ती खरीदेंगे। पापा ने कहा, हमें अगरबत्ती नहीं चाहिए, तुम कहीं और जाकर अपनी अगरबत्ती बेचो। रेहान को यह बात समझ में नहीं आई कि बुजुर्ग तो पापा से उम्र में बड़े हैं, फिर उन्होंने उनसे आप करके बात क्यों नहीं की। तो ये था रेहान का सवाल कि किसको आप बोलना चाहिए और किसको तुम। आपको पता है, अगर पता है तो बताओ बताओ। चलो फिर मिलते हैं अब अगली कहानी में। बाय बाय।